हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे IREL के बारे में। 2023 का नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है ट्रेनिंग HR पोस्ट के लिए। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, 60,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है, सारे फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिकली IREL इंडिया लिमिटेड इसके तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। फॉर्मली इसको जो है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड बोलते थे, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्न कंपनी है। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो IREL इंडिया लिमिटेड इज अ मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये आती है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, 30 अक्टूबर 2023 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 14 नवंबर 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुए है। सबसे पहला है ग्रेजुएट ट्रेनिंग, इसमें 3 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। S0 ग्रेड का है ये, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद S1 ग्रेड आप बन जाओगे। S0 ग्रेड की सैलरी जो है 37,200 रुपए पर मंथ है, प्लस कंपनी एकोमोडेशन या HRA भी आपको मिलेगा इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी एकोमोडेशन। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, 26 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के 4 पोस्ट, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल 37 पोस्ट, ट्रेनी जियोलॉजी पेट्रोलॉजी 8 पोस्ट और ट्रेनी केमिस्ट 4 पोस्ट। इस तरीके से टोटल इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको 37,200 रुपए प्लस कंपनी एकोमोडेशन और HRA मिलेगा, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी खुद के लिए। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो 1 साल की, तब आप S1 ग्रेड एज अ जूनियर सुपरवाइजर बन जाते हो। 1 साल के बाद आप S1 ग्रेड में आ जाओगे। तो S1 ग्रेड की जो सैलरी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ही नोटिफिकेशन है, S1 ग्रेड की जो सैलरी होगी 7.25 लाख रुपीज पर एनम CTC की होगी। तो अगर आप 12 से डिवाइड करोगे इसको, तो 60,000 रुपीज पर मंथ आएगा ग्रॉस सैलरी आपकी होगी। तो S1 ग्रेड में आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे, फिर इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउेंस IDA पैटर्न पे सैलरी मिलेगी, HRA या कंपनी अकोमोडेशन एज एप्लीकेबल। इसी के साथ साथ दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि एनुअल इंक्रीमेंट बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी और सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, लोन एंड एडवांसेस, PF, ग्रेच्युटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज पर रूल्स, यूनिफॉर्म, ETC एज एप्लीकेबल अंडर रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इतने सारे अलाउंस मिलेंगे आपको। तो टोटल मिला के आपकी जो सैलरी होगी 60,000 रुपीज पर मंथ अप्रॉक्स। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 56 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस की, ग्रेजुएशन होना कॉमर्स अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज BCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएट ट्रेनी HR, इसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जियोलॉजिस्ट या पेट्रोलॉजिस्ट, ग्रेजुएशन होना जियोलॉजी में और अप्लाइड जियोलॉजी विथ जियोलॉजी और केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट। लास्ट है केमिस्ट डिसिप्लिन, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएट होना साइंस में विथ केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सारे फ्रेशर एलिजिबल है। सबसे मेन हाइलाइटिंग वाली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आपको अभी मैंने बताया, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना जनरल OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, एंड 50% होना SC ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रख, साथ ही साथ आपको जो है MS ऑफिस विंडोज इनका नॉलेज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, SC ST 5 साल, OBC 3 साल। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका 2 फेज में सिलेक्शन होगा। पहला आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट, जो कि फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो कि सेकंड लेवल टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लेवल जो कि आपका 2 घंटे का होगा, इसमें पेपर 1 जो है 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। पेपर 1 में प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि HR डिसिप्लिन था तो HR से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, और पेपर 2 में जो है 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज
नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ओके, सभी का एक एक मार्क होगा। और सबसे मेन बात, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आ सकते, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसमें, ये चीज थोड़ा अच्छा है। बाकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है हर पेपर में, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, मतलब आपको 60 नंबर तो मिनिमम लाना ही होगा दोनों मिला के। एससीएसटी कैंडिडेट के लिए 35% मिनिमम है, बाकी सिलेक्शन आपका मेरिट के बेस पे होगा। आप देख सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा जितने भी लोग क्वालिफाई होंगे एग्जामिनेशन में। सेकंड लेवल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर में है, मतलब ये जो टेस्ट आपका होने वाला है स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये ओनली क्वालिफाइंग में है, मैं आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, रिटन टेस्ट के बेस पे। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही कम सेंटर है, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर एंड नागरकोइल, यही पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। देन आपका मेडिकल होगा सिलेक्शन के बाद, इसमें वेटिंग लिस्ट भी है, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट भी आएंगी, साथ ही साथ इसमें बॉन्ड भी है, तो मिनिमम 3 साल यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा इस कंपनी में। 3 साल के पहले अगर आप छोड़ के जाते हो तो 2 लाख का बॉन्ड है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1 लाख का बॉन्ड है एससीएसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ये आपको ध्यान रख। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया में इसकी पोस्टिंग होगी, जो मैक्सिमम ऑफिसेस है वो साउथ में है, हेड ऑफिस मुंबई में इसका। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ, ₹500 एप्लीकेशन फी है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, बाकी फीमेल कैंडिडेट एससीएसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था पूरा डिटेल इसके रिगार्डिंग। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।